أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे. आज तक हमने कितने रूल्स पढ़ लिए? हरूफ मुस्तालिया पढ़ लिया हमने, कलकला पढ़ लिया हमने, इसके अलावा हमने हरकात पढ़ी, ज़बर, ज़ेर, पेश, कि उन्हें कैसे पढ़ा जाता है. आज हम इंशाल्लाह हरूफ मद्दा पढ़ेंगे. अब ये एक नई चीज़ है आप लोगों के लिए, तो बहुत अच्छे तरीके से इसे समझिएगा कि हुरूफ मद्दा क्या होता है. हुरूफ मद्दा, हम जब कुरान पढ़ते हैं तो हुरूफ मद्दा तीन किस्म के हमारे पास मौजूद होते हैं. एक अलिफ मद्दा, दूसरा वाव मद्दा और तीसरा या मद्दा. इनके नामों से लग रहा है कि अलिफ मद्दा अलिफ से बनेगा, वाव मद्दा वाव से बनेगा और या मद्दा या से बनेगा. तो आज हम अलिफ मद्दा पढ़ते हैं सिर्फ, इंशाल्लाह वाव मद्दा और या मद्दा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. अब अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा कब बनता है? ये आप लोगों के पारे में तख्ती नंबर 13 है, अगर आप लोग निकाल के अपने सामने रख लें तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि जो है ये अलिफ मद्दा, अगर आप सामने रख के देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी. जब भी अलिफ हमारे पास खाली हो, अब कुरान में जो लफ्ज़ आते हैं बहुत सारे, उनमें जहाँ भी अलिफ खाली होगा, खाली अलिफ का मतलब उसके ऊपर कोई हरकत नहीं होगी, ना जज़म होगा, ना ज़बर होगा, ना ज़ेर, ना पेश, ना खड़ी ज़बर, ना खड़ी ज़ेर, ना उल्टा पेश, कोई भी हरकत नहीं होगी, वो बिल्कुल खाली होगा. जैसे हम सिर्फ अलिफ लिखते हैं, बिल्कुल अलिफ खाली होगा, ठीक है. और उससे पहले जो भी हर्फ आ रहा होगा, अलिफ से पहले जो भी हर्फ आ रहा होगा उसके ऊपर ज़बर होगा. ये एक रूल है, ये दोनों कंडीशंस होना इसके लिए बहुत लाजिम है. अलिफ मद्दा के लिए अलिफ खाली हो और उससे पहले जो भी हर्फ आ रहा है, पूरे हरूफ तहज्जी में से जो भी हर्फ आ रहा है वो हर्फ ज़बर मुतहर्रिक हो, मतलब उसके ऊपर जो हरकत हो वो ज़बर की हो, ठीक है. अब जैसे आप लोगों के पास तख्ती में लिखा हुआ है बा अलिफ ज़बर बा, तो जब भी ये दो कंडीशंस पूरी हो रही हों, अलिफ भी खाली हो और उससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर भी हो, तो हम उसे ना थोड़ा सा लंबा करके पढ़ते हैं. जैसे ज़बर को हम पढ़ते थे बा ज़बर बा, जस्ट वन काउंट, लेकिन इसे हम टू काउंट्स पढ़ेंगे. समझें कि दो हरकत होंगी आपकी, दो ज़बर के बराबर पढ़ेंगे. एक ज़बर आप बा ज़बर बा, बा अलिफ ज़बर बा, बा अलिफ ज़बर बा, मुंह को पूरा ऊपर की तरफ खोल के हम इसे टू काउंट्स पढ़ेंगे. इसकी जो ड्यूरेशन होती है इसे पढ़ने की, इसे टू काउंट्स पढ़ा जाता है. ये ज़बर से मुख्तलिफ होता है, ज़बर को हम छोटा सा पढ़ते हैं बा ज़बर बा, और जब इसके साथ खाली अलिफ आ जाए बा अलिफ ज़बर बा, इसे हम थोड़ा लंबा करके पढ़ते हैं, टू काउंट्स लंबा करके पढ़ते हैं. अब नीचे आपके पास एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, ज़ाता. अब देखें ज़ाता में अलिफ खाली है, बिल्कुल खाली अलिफ है, इन्होंने कलर करके हमें दिया है, और उससे पहले जो ज़ाल है उसके ऊपर ज़बर है, तो इसे हम पढ़ेंगे टू काउंट्स, ज़ाता ज़ाता. अगर ये अलिफ खाली ना होता तो हम पढ़ते ज़ाता, ज़ा ज़बर ज़ा, ता ज़बर ता. लेकिन यहाँ जब अलिफ खाली आ गया तो यहाँ एक रूल बन गया, उस रूल का नाम है अलिफ मद्दा. तो यहाँ अलिफ मद्दा जब बन रहा है तो हम इसे टू काउंट्स पढ़ेंगे, ज़ाता, मुँह ऊपर की तरफ खोल के ज़ाता. नाक में बिल्कुल आवाज़ पीछे से नहीं जाएगी, पूरी आवाज़ आपने कोशिश करनी है कि मुंह से आपकी बाहर आ जाए, ठीक है. अच्छा सा मुंह खोल के ज़ाता. फिर नेक्स्ट वर्ड आपके पास लिखा हुआ है खौफा, अलिफ खाली है, उससे पहले जो खौ है उसके ऊपर ज़बर है, खौफा खौफा. काना काना. कौला, ये बहुत लफ्ज़ आता है, कौला. ताबा पौला. अब यहाँ आपने अपने जो पिछले रूल्स पढ़े हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना,
जो ज़बर होगी सिर्फ ज़बर होगी, उसके साथ खाली अलिफ नहीं होगी, उसे हम जस्ट वन काउंट से पढ़ेंगे। अब ज़ा ता में ता ज़बर ता है, खौफ आ में फा ज़बर फा है, इसे नहीं खींचेंगे, ज़ा ता ऐसे नहीं करेंगे। जिसके साथ खाली अलिफ है सिर्फ उसे ही हम खींचेंगे, टू काउंट्स पढ़ेंगे, और दूसरे ज़बर को बिल्कुल खींचने की आपको इजाज़त नहीं है। उसके अलावा आपने हुरूफ़ मुस्तालिया पढ़ा है, हुरूफ़ मुस्तालिया मीन्स आपने हर्फ को मोटा पढ़ना है, वो सात हुरूफ आपने लाजमी तौर पर मोटे पढ़ने हैं, ठीक है। खौफा, इसमें जो खौ है इसे आपने मोटा पढ़ना है, इसके साथ जो अलिफ है वो भी मोटा ही पढ़ा जाएगा। खौफा, कौला, कौला, आदुन, नारन, कौदीरुन, हासिदिन, वालीमुन, वालीमुन, ये हरूफ मुस्तालिया में से इसे मोटा पढ़ेंगे। तवाबन, अब ये बीच में आ रहा है, आपके पास अलिफ खाली है और वाव पे ज़बर है, तो इसे टू काउंट्स पढ़ेंगे। तवाबन, असोबा, आबिदुन, मुंह पूरा ऊपर की तरफ खोलेंगे, आबिदुन, नाक में आवाज़ नहीं जानी चाहिए। वाहिकन, वाहिकन, वो भी हरूफ मुस्तालिया में से है। हाफिज़ुन, हाफिज़ुन, गौसिकिन, गौसिकिन, सवाबन, सवाबन, कवाइबा, कवाइबा, फवाकिहा। अब देखिए आप, मैं जो पढ़ रही हूँ आप इस पे गौर करें कि जो ज़बर ज़ेर और पेश है मैं उन्हें नहीं खींच रही, सिर्फ़ उस ज़बर को मैं खींच रही हूँ जिसके साथ खाली अलिफ मौजूद है, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ना होता है इसमें। एक दफ़ा जब आप लोगों को समझ आ जाएगी, इस बात की आदत हो जाएगी आपको कि खाली अलिफ आप देख देख कर पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ेंगे आप लोग। रवासिया, ये वो मिस्टेक है जो बहुत इनिशियल मिस्टेक होती है, लेकिन जब ये बात किसी को नहीं पता होती तो इससे ये जो है ना बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं लोग, और ये मिस्टेक आप लोगों की जो है वो काउंट होती है, इससे तर्जुमे का जो तर्जुमा होता है ना कुरान का वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़ना है कि ये आपकी गलती ना जाए, ये गलती जो है फिर इससे कुरान का जब तर्जुमा चेंज हो जाता है तो उस पर फिर हमें गुनाह होता है, कि हमें जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम इस गुनाह से बचें। और बहुत छोटी सी बात है, सीख लें, समझ लें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करेंगे कि आप लोगों को ये बात समझने में आसानी हो जाए, अगर समझ आ जाए तो आप लोग उसे अप्लाई भी करें। आगे पढ़ते हैं। गवासिया, दावूदू, दावूदू, वाव उल्टा पेश वू होता है, इसे भी टू काउंट्स पढ़ेंगे, ये भी उल्टा पेश है ना, इसे आप लोग लिख लें, नेक्स्ट टाइम हम इसकी भी जो है ना पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। दावूदू, गौवूना, गौवूना, दुहाहा, दुहाहा। चलें, अब आप लोगों के जहन में क्वेश्चन होगा कि जो लास्ट वाला हा है उसमें तो हमारे पास अलिफ खाली था तो हमने उसे टू काउंट्स पढ़ा, लेकिन जो सेंटर वाला हा है इसी क्यों हमने टू काउंट्स पढ़ा। तो एक नई बात सीख लीजिए, जो खड़ी ज़बर है वो भी अलिफ मद्दा के कायम मकाम ही होती है, मीन्स जो अलिफ मद्दा है और खड़ी ज़बर है बोथ आर सेम, बस ये लिखने का तरीका इसका अलग अलग है। कुरान है, अरबी है, डिफरेंट तरीके से लिखी जाती है। तो ये जो दुहा हा में हा है ना खड़ी ज़बर के साथ, ये और दूसरा हा बोथ आर सेम, इन दोनों को टू काउंट से पढ़ा जाएगा। अब वो खड़ी ज़बर लगी हुई है या वो उसके साथ ज़बर और खाली अलिफ लगा हुआ है, तो जो है ये दोनों लिखने के तरीके हैं, अगर ये लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है, खड़ी ज़बर डली हुई है या हा अलिफ ज़बर हा लिखा हुआ है, तो इन दोनों को टू काउंट्स ही पढ़ेंगे। ये दोनों चीज़ें आप समझ लें कि सेम हैं। अब आपके पास जो तख्ती है उसमें ऊपर देखें जो बा ज़बर बा है, फिर एक बा खड़ी ज़बर बा है, फिर बा अलिफ ज़बर बा है, तो ये इसमें लिखने के तरीके हैं, लेकिन ज़बर वाली जो बा है वो एक अलग चीज़ है, वो सिर्फ बा ज़बर बा है, ठीक है, उसे हम टू काउंट्स नहीं पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ आया होगा। रिकॉर्डिंग से समझना थोड़ा सा मुश्किल है, सामने टीचर होती है तो बहुत अच्छे से समझ आ जाता है,
लेकिन अल्लाह ताला आप लोगों की मदद करें, आप लोगों को इसे सीखने में आसानी दें और आप लोगों के वर्क में बहुत ज़्यादा बरकत दें। इंशाल्लाह आप लोग इसे सीख लें। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमत।